नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है टेक्निकल मनोज जी। और आज की वीडियो बनने जा रही है हॉटस्टार के ऊपर, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। आप भी अब इसका सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की सोच रहे होंगे, लेकिन टॉपिक ये है कि अगर आप प्लान लेते हैं तो वहाँ पर ऑटो पे का ऑप्शन आता है कि आपको ऑटो पे चुनना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, बिना उसके आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ मैच देखने वगैरह के लिए, तो सीधे सीधे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि हाँ, सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 299, जो कट के 149 हो गया है। और यहाँ से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वही है कि आप जब स्कैन करेंगे तो ऑटो पे का ऑप्शन आएगा। अब ऐसे में क्या करें, किस तरह से कर सकते हैं, बाकी बात करें। अगर 300 रुपये का अगर ये मान के चलें, अभी तो डिस्काउंट ऑफर है, अगर 300 का मान चलें तो भाई साल भर का कितना हुआ, क्योंकि क्वार्टरली 300 रुपये है, 100 रुपये उसका, तो मतलब 1200 मान के चलिए, एक साल का 1200 है। मैं चाहूँगा कि आप भी ये प्लान ईयरली लें, एक बार लें, साल भर की छुट्टी हो जाती है। क्योंकि आप अगर 3 महीने का लेंगे और ऑटो पे ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया, तो अगले 3 महीने जो आप नेक्स्ट होंगे वो उसकी पेमेंट तुरंत कट जाएगी। अगर एक दिन भी मिस हुए, यानी ये क्वार्टर के लिए, एक क्वार्टर के लिए है, और जैसे ही क्वार्टर एंड होगा उससे पहले ऑटो पे कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ डे मिस होते ही अगले क्वार्टर के लिए पेमेंट कट जाएगी और वो 299 कट सकती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल तो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन आता नहीं आता। ये लिखा पे वाई UPI ऑटो पे, तो ऑटो पे का ऑप्शन आता है। यहाँ पे QR कोड को स्कैन करो, डिस्काउंट कूपन है। अगर आप ऑटो पे ही करना चाहते हो तो आप फ़ोनपे से करें, क्योंकि किसी का कमेंट आया था वीडियो में कि उसने फ़ोनपे से स्कैन करके पेमेंट किया और उनको 149 का ही पड़ा, क्योंकि वही लोग कहते हैं कि 299 प्लान शो हो जाता है जब हम एप्लीकेशन में जाते हैं तब। इसलिए इसमें भी लिखा है आगे के लिए आपके जो भी है, अभी तो 299 सेट होगा, बाकी रूल्स पढ़ लेना। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, लिंक प्रोवाइड करूँगा एक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करके आपको एक एप्लीकेशन ओपन होगी जिसका नाम है अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन में अगर वो ओपन होता है तो कुछ और प्रोडक्ट दिख सकता है, तो आपको होम बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका अमेज़ॉन होम खुल जाएगा। फिर कैसे कैसे करना है मैं अपने फ़ोन पे दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। और प्लान आपको ईयरली लेना चाहिए, ईयरली में क्या है, फ़ायदा भी है, 900 रुपये का पड़ता है, लेकिन आप पूरे साल इंजॉय करेंगे, प्लस ऑटो पे के वाला टेंशन भी नहीं होगा, हर बार कटने वाला टेंशन भी नहीं होगा। तो कैसे करना है जो देखते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ़ोन की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको लिंक ओपन करने के बाद अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट शो हो सकता है, तो आप उसके होम बटन पर क्लिक करना, होम बटन पर क्लिक करेंगे होम ओपन हो जाएगा, और फिर अमेज़ॉन पे में जाना। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ ऑफ़र लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन प्लान, ऊपर आएंगे, यहाँ OTT है, हॉटस्टार, बाकी और भी आप ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। हॉटस्टार पर आएंगे तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस चूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, क्या आप करना चाहें। फिलहाल डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपने लिख लिया। आपका हॉटस्टार जिस नंबर से लॉगिन है उसी मोबाइल नंबर को एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने पर पैक ID आप देखेंगे, ये आपका हॉटस्टार मोबाइल का 1 ईयर का प्लान है। ठीक है, ये आपका सुपर प्लान है और एक प्रीमियम प्लान है, इस तरह के प्लान आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 899 वाला, तो ये प्लान है। या ऑटो पे का चक्कर नहीं हो, मोबाइल नंबर डालेंगे आप, जिस नंबर पे से आपका लॉगिन है उसी नंबर पे रिचार्ज करवाना, और फिर उसी नंबर से आप लॉगिन जैसे कर रखा है तो अपने आप अपडेट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, और यहाँ ऑटो पे का चक्कर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर करके दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया, आप अपना नंबर डालना। और जब हम यहाँ पे करने के लिए ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से दिखा जाएगा कि हॉटसा का अमेज़ॉन UPI वगैरह से लेना, लेकिन ऑटो पे का चक्कर नहीं है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे अपना UPI पिन डालेंगे और वो पे हो जाएगा, और सिंगल टाइम, हर बार का नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आप भी रिचार्ज कराएं और मैच का आनंद लें पूरे साल भर के लिए। आप सोचो 3 महीने के लिए अगर करेंगे ऑटो पे वाला ऑप्शन, आप कैंसिल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम यही आएगी
कि हर 3 महीने बाद वो कट जाएंगे। आपने अगर डेट मिस कर दी उसे ऑटो पे को कैंसिल करने वाला, अगर ऑटो पे को कैंसिल कैसे करते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।